तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को बना सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है फॉर द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जिसमें एक्सटर्नल मार्क और इंटरनल मार्क्स चेक किए जाएंगे। अगर इंटरनल मार्क्स 30 से ज्यादा हो जाते हैं तो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन इंटरनल मार्क एक्सीडेड। अगर एक्सटर्नल मार्क्स 70 से ज्यादा हो जाते हैं, इट विल अगेन थ्रो एक्सेप्शन एंड डिस्प्लेइंग द मैसेज एक्सटर्नल मार्क एक्सीडेड। तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना खुद का एक एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, इट इज नॉट एनी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्लास बनानी है उस एक्सेप्शन के नाम की जो आपको सॉरी तो ये आ जाएगी हमारी पब्लिक क्लास। यहां हम बना देंगे मार्क और इंटरनल मार्क्स एक्सेप्शन। और कोई भी एक्सेप्शन बनाते हैं अपना खुद का या कोई भी, उसमें हम एक्सटेंड करते हैं एक्सेप्शन क्लास को। ये हमारी ग्लोबल एक्सेप्शन क्लास होती है। तो कोई भी एक्सेप्शन बनाने के लिए हमें इसे करना पड़ता है कॉल। तो अब यहां बनाएंगे हम इसमें पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका, पब्लिक इंटरनल मार्क्स एक्सेप्शन। और इसमें हम कॉल करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैसेज। और यहां हम यूज करेंगे सुपर टू कॉल दिस इंस्ट्रक्टर इनसाइड द इंस्ट्रक्टर इटसेल्फ। तो हम इसी सुपर मेथड को यूज करेंगे इसमें। ठीक है, ये बन गया हमारा एक्सटर्नल इंटरनल मार्क्स एक्सेप्शन, हमारा खुद का एक एक्सेप्शन बन गया। और इसे पब्लिक में लाने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस क्लास यूज करेंगे ओनली, डोंट यूज पब्लिक कीवर्ड। फाइन, क्योंकि हमारा यूजर डिफाइंड है तो यूजर डिफाइंड को बाय डिफॉल्ट हमारा वैसे रहने दो, प्राइवेट मेथड। ठीक है, और जो भी बाय डिफॉल्ट मेथड रहता है उसके हिसाब से पब्लिक में एनी वन कैन बी यूज दैट एक्सेप्शन, देन इट इज नॉट एक्चुअली अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब यहां दूसरा बनाएंगे एक्सेप्शन एक्सटर्नल मार्क्स एक्सेप्शन। और यहां हम एक्सटेंड करेंगे अगेन एक्सेप्शन को। और यहां हम बनाएंगे अगेन कंस्ट्रक्टर फॉर दिस, एंड इसमें पास कराएंगे अगेन मैसेज, एंड इसमें अगेन कॉल करेंगे सुपर मेथड, पास कराएंगे अपना स्ट्रिंग को। ठीक है, अब आता है हमारा मेन क्लास। तो जो मेन क्लास का नाम है वो है यूजर एक्सेप्शन। तो यूज करेंगे पब्लिक, मेन क्लास हम बनाते हैं अपनी पब्लिक से, पब्लिक क्लास एंड यूजर एक्सेप्शन। यहां हम इसमें अपना वो बनाएंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। और इसको अभी रहने देंगे खाली। अब यहां बनाएंगे हम एक और वन मोर मेथड, वो हमारा प्राइवेट स्टैटिक वॉइड, और इसको हम लिखेंगे चेक मार्क्स। ठीक है, अब इसमें हम दो वेरिएबल पास कराएंगे, इन इंटरनल मार्क्स इन एक्सटर्नल मार्क्स। और यहां से हम इसमें ठीक है दो, अब इसी में हम थ्रो करेंगे अपना एक्सेप्शन। तो थ्रो करने के लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थ्रो एक्सेप्शन, यहाँ मेथड के साइड में देते हैं एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, तो अपने जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है वही लेंगे, इंटरनल मार्क्स कॉमा एक्सटर्नल मार्क्स, ठीक है। अब यहां हम चेक करेंगे इफ इफ एक्सटर्नल मार्क्स इज ग्रेटर देन 30, देन इट विल थ्रो एक्सेप्शन, थ्रो अ न्यू एक्सेप्शन एंड विच इज एक्सटर्नल मार्क्स, एंड इसमें अपना मैसेज भी डाल सकते हैं आप, इंटरनल मार्क्स एक्सीडेड। उसके बाद हम यहां एक और कंडीशन लगाएंगे एक्सटर्नल मार्क्स के लिए, एल्स इफ अगर एक्सटर्नल मार्क्स 70 से ज्यादा है, देन विल अगेन थ्रो अप एक्सेप्शन मार्क्स, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मार्क्स एक्सीडेड। अब यहां से हम इस जो थ्रो कर रहे एक्सेप्शन को कैच करेंगे कहाँ, मेन मेथड में, बट बिफोर दैट वी नीड टू डिक्लेयर टू टू वेरिएबल्स, और सेम वेरिएबल होंगे हमारे इंटरनल मार्क्स, ठीक है, इंटरनल मार्क्स, और इसे हम कर देते हैं 31 से डिक्लेयर, और एक्सटर्नल मार्क्स से भी कर देते हैं हम 71 से डिक्लेयर। अब यहां हम अपना ट्राई और कैच लगाएंगे, ट्राई पहले चेक करेंगे ट्राई में अपने मेथड से, ठीक है। अब कैच करेंगे, अगर इसमें कोई एक्सेप्शन होगा वो कैच में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इंटरनल का एक्सेप्शन का चेक करेंगे, अगर इंटरनल एक्सेप्शन है या नहीं है, तो अगर होगा तो हम क्या मैसेज प्रिंट करा देंगे, ई डॉट गेट मैसेज, तो ये यानी कि ये इसी से मैसेज लेगा और यहाँ प्रिंट करा देगा बाई यूजिंग सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लाइन। अब वन मोर कैच करेंगे, अब इसमें हम करेंगे एक्सटर्नल, और इसे भी ई से ही डिक्लेयर करेंगे, एंड इसमें भी हम सेम तरीके से ई डॉट गेट मैसेज यूज करेंगे विद पैरेंथेसिस। नाउ वी आर डन विद कोड एंड दिस इज अ कंप्लीट कोड, जस्ट हमें रन करना है, गो टू रन एंड स्टार्ट बगिंग। एंड यू कैन सी दैट इंटरनल मार्क एक्सीडेड, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एक्सेप्शन था वो थ्रू हुआ यहाँ, और इसने ये यहाँ कैच कर लिया, ठीक है। जब फर्स्ट एक्सेप्शन थ्रू होगा तभी कैच कर लेगा, ठीक है। तो या दैट्स हाउ यू कैन मेक योर यूजर डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।